यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हम सबको परमेश्वर ने एक अवसर दिया है एक प्रभु के वचन को सुन सके और उनके भेदों को जान सके और परमेश्वर को आशीषों का वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु राजा, हम एक और दिन के लिए धन्यवाद करते हैं शुभ संदेश चैनल के लिए और हमारा परिवार के लिए प्रभु, हर एक दर्शकों के लिए, सबके लिए परमेश्वर। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं यीशु, आपने इस द्वार खोला उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। जो कुछ वचन तैयार किया प्रभु यीशु, तेरे लहू में सील करती हूँ, पवित्र आत्मा मोहर में सील करती हूँ और सारा आदर और महिमा केवल तुझको मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। जो विषय तैयार किया है ये है कि विटनेस, गवाही, साक्षी। योहन्ना 5:19 में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यीशु मसीह स्वयं एक गवाही दे रहे हैं, जो पिता मुझे दिखाते हैं और कहने के जो करते हैं मैं उनको देख के मैं भी वैसा ही करता हूं। और योहन्ना जो चेले, यीशु मसीह के चेले भी इसी तरह से, पहला योहन्ना 1:1-3 में हम देखते हैं उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे अपने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, वो जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसी के गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सौभाग्य हो और हमारी ये सौभाग्यता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो योहन्ना कह रहे हैं, जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जैसे हमने देखा उनको करते हुए, हम भी वैसा ही करते हैं, क्योंकि वो जीवन है, वो जीवन यीशु मसीह स्वयं क्या है, हमारे लिए जीवन है। इसलिए चेले ने यीशु मसीह को देखे, जैसे वो करते थे, जैसे वो सिखाए थे, वैसा ही वो करते हैं। अब यीशु मसीह तो स्वर्गारोहण करके चले गए थे, बाप के दाहिने हाथे बैठे, तो फिर उसके बाद चेले कैसे काम किए हैं। योहन्ना यही कहता है कि 15:26-27 में, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाही हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। तो इस प्रकार से योहन्ना कह रहे कि परमेश्वर यीशु मसीह योहन्ना से कह रहे हैं और योहन्ना ये कह रहे हमसे कि जैसे यीशु मसीह चले गए तो अब कौन हमें मदद करेंगे, उनका पिता का जो रूह है, यीशु मसीह का जो रूह है, पवित्र आत्मा जिसको कहते हैं, वो हमें गवाही देता है, हम भी फिर वैसे ही हम गवाही यीशु मसीह के लिए बने रहते हैं, ऐसे ही काम भी करते हैं। एक और है जो हमें गवाही है, गवाही देते हैं, वो कौन है, प्रकाशित वाक्य 22:16, उसमें लिखा है, यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलिसियों के विषय में इन बातों की गवाही दे, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। तो फरिश्ते, एंजल्स, हमें एपिसोड भी बनाया, फरिश्ते भी यीशु मसीह का गवाही देते हैं और वो जो काम यीशु मसीह सौंपते हैं वो पूरा करते हैं। इस तरह से हमने देखा है पिता जो करता है कि वो यीशु मसीह देख के वैसे ही करता है, और जो यीशु मसीह जो करते थे
चेले ने देखा है और वैसे ही वो करते हैं, गवाही बनते हैं। और यीशु मसीह स्वर्गारोहण करके पिता के दाएं हाथ बैठे थे, फिर उनकी पवित्र आत्मा गवाही देता है और उसी प्रकार से चेले ने यीशु मसीह का काम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा फरिश्ते भी गवाही देते हैं, कलीसियाओं के पास आके गवाही देते हैं और वो जो इंस्ट्रक्शंस, जो उपदेश परमेश्वर और यीशु मसीह से जो मिलते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। पृथ्वी में हम देखते हैं रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में कितना कुछ फरिश्ते ने जैसे जैसे परमेश्वर आदेश देते गए वैसे वैसे वो करते गए। और इसी तरह से और ये कुछ देखेंगे, ये गवाही होता क्या है, उसका रूट वर्ड क्या है। यूनानी अर्थ में गवाही का मतलब ग्रीक, द रूट वर्ड ग्रीक, उसका गवाही का ये अर्थ होता है मार्टर। मार्टर मतलब शहीद, मतलब टू टेस्टिफाई द ट्रूथ इवन एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मतलब मरने दम तक हम सत्य का गवाही देना। इसी तरह से अगर सेक्युलर फील्ड में देखेंगे, अगर न्याय स्थान में देखेंगे तो क्या होता है कि एक गवाही के रूप में खड़ा कर देते हैं और दोनों तरह से जो केस डाला है दोनों तरह शायद गवाही होता है। और फिर वो गवाही जो देखा है, जो सुना है, जो अनुभव किया है वो जज के सामने पेश करना होता है और उनको सबूत के साथ उनको कन्विंस करना होता है। और दोनों का गवाही सुन के फिर वो जो न्यायाधीश है वो जजमेंट देता है। इस तरह से सेकुलर वर्ल्ड में हम न्याय स्थान में गवाही को कहीं कोर्ट सीन बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमने देखे होंगे टीवी में या मूवी में, कहीं ना कहीं हम या रियल वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं देखे होंगे। मूसा का नियम के अनुसार ड्यूटरोनमी 19 का 15 और मैथ्यू 18 का 16, ये दोनों में लिखा है हर एक बात दो या तीन गवाही के मुंह से ठहराई जाती है, मतलब टू और थ्री विटनेस दैट केस विल बी कंफर्म। इस तरह से होता है कि और झूठे गवाही भी हो सकता है, क्योंकि वचन में भी लिखा है नीति वचन 6, आज ही मैं पढ़ रही थी नीति वचन 6:19 में लिखा है परमेश्वर झूठ से और झूठे गवाही से नफरत करते हैं, ऐसे लिखा है कि प्रोवर्ब्स नीति वचन 6:19 में। और हो सकता है कोई झूठे गवाही भी बना के और झूठ बोलने के लिए भी खड़ा कर सकते हैं। हम लोग यीशु मसीह को अनुभव किया है कि परमेश्वर का देह जो कलीसिया बोलते हैं ना, कितने सारे अद्भुत काम हमने अनुभव किया है, मिरेकल्स अनुभव किया है, लेकिन कई बार लोग उसको बयान नहीं करना चाहते हैं, तो इट इज स्पिरिचुअल परजरी है ना। तो क्योंकि वचन में क्या लिखा है कि साम 34:8 में लिखा है चक कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। यानी कि परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम अनुभव करो और अनुभव करके उसके बाद उसका बयान करो, गवाही दो। और रेवलेशन 19:10 प्रकाशित वाक्य 19:10 में मैं लास्ट ईसा पढ़ रहे हैं, यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। कैसे भविष्यवाणी का आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि जब हम यीशु मसीह ने जो हमारे जीवन में अद्भुत काम किया उनको बार बार वो रिकॉल करते, उस मेमोरीज को, उस यादों को हम बार बार याद करते हैं और उसकी बयान करते हैं दूसरों के साथ भी, जो उस तरह से तकलीफ, सेम तकलीफ जो हमने गुजरा है दूसरे वही तकलीफ से गुजर रहे उनको अपना गवाही देते हैं। तो ये भी होता है कि परमेश्वर ने जो पहले किया अभी दोबारा उनको करना है। यू आर रिमाइंडिंग गॉड दैट यू हैव टू डू द मिरेकल अगेन, ये भविष्यवाणी जैसे काम भी करता है। इस तरह से हम देखते हैं जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण पहले चेलों से कहा, बड़ा अच्छा सा प्रेरितों का 1:4, 5, 8 तीन वचन मैं पढ़ रही हूँ, उसने उपदेश दिया गवाही देना कैसे और क्यों देना है, कैसे देना है और उसे
क्या होता है ये थोड़ा समय दो तीन वचन पढ़ना चाहती हूँ। प्रेरितों का काम 1:4-5-8, उसमें लिखा चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की प्रतीक्षा करते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम यहूदिया समरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम गवाही होंगे। हालेलुया। यानी कि मतलब क्या है कि जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा की बपतिस्मा नहीं है तो हमारे अंदर वो जो बोल्डनेस जो हिया गवाही देने के लिए नहीं आता है। जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है, उनकी सामर्थ हमें मिलता है, उनके अभिषेक मिलता है, हमारे अंदर एक होली बोल्डनेस एक हिया आता है और फिर उसके बाद हम पूरा दुनिया की छोर तक उनकी गवाही ठहरने का सामर्थ हमें मिलता है। इसको बोलते एक्स चैप्टर 1:8 में लिखा है ना दुनामिस पावर। अब हम देखते हैं कुछ लोगों जो यीशु मसीह का गवाही बन चुके थे, कैसे बन चुके थे वो थोड़ा सा उदाहरणों को हम देखेंगे। सबसे पहले जल्दी से मरकुस 5:19-20, ये मरकुस 5 का अगर पूरा अध्याय पढ़ेंगे जो इस व्यक्ति कैसे था, कैसे यीशु मसीह ने उसको कितने सारे बड़ी सेना को दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, कैसे उसका जिंदगी था, जैसे पिक्चर में आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे बिफोर और आफ्टर, इतना मोटे थे, इतना स्लिम हो गया, ट्रिम हो गया, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे गवाही होता है ना, वैसे पहले कैसे थे अब कैसे हो गया, आपको पूरा इस चैप्टर में समझ में आएगा। और इस व्यक्ति इतना बुरा हाल में था और फिर जब वो छुटकारा पाया यीशु मसीह ने उसने कहा मेरे यीशु मसीह के मैं आपके पीछे जाऊंगा, तो यीशु ने कहा नहीं। उसने क्या कहा मरकुस 5:19-20 में पढ़ रही हूँ कि उसने उसे आज्ञा ना दी और उसे कहा अपने घर जाके अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किया है। वो जाकर डिकोपुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब अचंबा करते थे। डिकोपुलिस मतलब क्या है कि 10 शहर है, 10 सिटीज, इज़राइल, जॉर्डन और सीरिया, उस समय में ये सारा रोमन एम्पायर थे, ये तीनों जगह में 10 शहर में एक बहुत बड़ी गवाह बन चुका था इस व्यक्ति ने और फिर अपना अनुभव अपना जीवन का गवाही प्रचार करते थे। हालेलुया। और फिर जल्दी से हम कुछ और गवाहियों को देखेंगे जो बाइबल में है। यूहन्ना 4, ये सब लोग पिछले बार मैंने एपिसोड भी बनाया यूहन्ना 4, ये सामरी स्त्री के बारे में सिर्फ 2-3 वचन पढ़ेंगे। और उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। तब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहो, और वहां 2 दिन तक रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुत ने विश्वास किया और स्त्री से कहा अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि सचमुच में ये जगत का उद्धार करता है। ये लोग कह रहे हैं जब ये सामरी स्त्री ने गांव में जाकर लोगों को पूरा गांव को बताया देखो मेरे बारे में सब कुछ बताया, ये तो नहीं है जो मसीहा जिसके लिए हम इंतजार कर रहे, आओ आप लोग सब आके देखो। तब वो क्या कह रहे हैं कि ये नहीं कि तुमने बोला इसलिए हमने विश्वास किया, हम खुद जान लिया कि यही परमेश्वर के ओर से मानव जाति के लिए उद्धार करता है।
हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है, हमको कहीं से सुनते हैं तो हमको खुद देखना है, अनुभव करना है, और फिर हम परमेश्वर के लिए गवाही बन जाएंगे। इसी तरह से हम देखते हैं सर्वेंट गर्ल, नामान का एपिसोड भी है इसमें है, लेकिन फिर भी मैं दो लाइन इसके लड़की के बारे बताना चाहती हूँ। दूसरा राजा 5:1-3 पढ़ रही हूँ। आराम के राजा का नामक सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था, और वो सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी के लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी समरिया के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो हम जानते हैं, पूरा कहानी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस लड़की जो बंदी बना के लेके आए थे, लेकिन वो चुप नहीं रही, और वहां पे ऐसे परिस्थिति को देख के वो एलिशा के बारे में उसने गवाही दी और फिर वहां भेजा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो सचमुच में कितना प्रतिष्ठित पुरुष था, लेकिन वो कोढ़ी थे, और फिर वो कोढ़ी से छुटकारा पाया, और फिर पूरा यहोवा का नाम और एलिशा का नाम उस आराम राजा, सीरिया एनिमी कंट्री है वो उधर भी बहुत बड़ी गवाही बन गया। हालेलुया। जब गवाही देते तो क्या होता है कि परमेश्वर की महिमा होता है और उस बात चारों तरफ फैल जाता है। और फिर जैसे हमने देखा प्रेरितों का आठ अध्याय 29-31, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम फिलिप है, और फिलिप का हम गवाही देखते हैं। तब पवित्र आत्मा ने फिलिपु से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ खोले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहे है क्या तुम उसे समझते भी हो? उसने कहा, जब कोई मुझे समझाए ना तो कैसे समझो। और उसने फिलिपुस के विनती की, वो चढ़कर उसके पास बैठ गया। तो यहाँ पे फिलिपुस ने एक इथियोपियन यूनक, मतलब ये तो इजरा था लेकिन बहुत बड़ा अधिकारी था, और पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को कहा, जाके उसको यीशु मसीह का गवाही दो। और फिर उसने यशया का पुस्तक में वो पढ़ के सुनाया क्यों बपतिस्मा लेना है, और यशया का भविष्यवाणी कैसे यीशु मसीह के द्वारा पूरा होता है, सब कुछ समझाया। और फिर वहां उनका बपतिस्मा हुआ। हो सकता है ये बहुत बड़ी गवाही वो पूरा इथियोपिया मतलब अफ्रीकन कंट्री वहां जाके बहुत बड़ा सुसमाचार का फैलने का कारण बन गया होगा। और इसी तरह से प्रेरितों का 10 अध्याय में पत्रस को कोर्नेलियस ने इटालियन रेजिमेंट मतलब सेंचुरियन मतलब इसके नीचे 100 लोग होते हैं, और ये एक रेजिमेंट का पूरा हेड है, इसके सेंट मतलब 100 लोग इनके नीचे होता है, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत धार्मिक व्यक्ति था। ये यीशु मसीह को या वे परमेश्वर को नहीं भी जानते, फिर भी पहली बार वहां पे परमेश्वर ने पत्रस को भेजा, और पत्रस बिना ही इनकार करते हुए वहां पे पहुंचा। आप पढ़ेंगे तो प्रेरितों का 10 में पढ़ेंगे तो पहली बार वहां पवित्र आत्मा बपतिस्मा वहां पूरा जितना अन्य जाति के ऊपर आ गया था। इस तरह से वहां पे पूरा इस इटालियन रेजिमेंट में बहुत बड़ा गवाही हो। और हम देखते हैं प्रेरितों का 16 अध्याय में लिडिया नामक एक स्त्री थी, और ये भी ये पौलुस वहां पे
सेवकाई के लिए जब आई थी, एक ही बिजनेस वुमन थी और फिर बिजनेस करती थी, और पौलुस का बातें सुनकर बड़ी ध्यान लगा के उसने खुद अपना दिल खोल के परमेश्वर को ग्रहण किया। और फिर सिर्फ उसने नहीं ग्रहण किया, अपने घर का लोगों को भी परमेश्वर में लाया और उसने बपतिस्मा लिया। और फिर उसके बाद वहां पौलुस का उनका सेवकाई के लिए अपने घर को भी खोल दिया और वहां पे संगति भी शुरू हुई है। कलीसिया के टाइप में वहां पे बहुत बड़ा गवाही बन गई थी लिडिया के द्वारा। पूरा यूरोपियन, मे बी शी इज द फर्स्ट यूरोपियन वुमन देयर, ये फिलिपाई चर्च का स्थापित करने का कारण भी वही शुरुआत हुआ होगा, लिडिया की गवाही से ही शुरुआत हुआ होगा। और फिर आगे हम देखते हैं, जब बहुत बड़ा काम होता है, बहुत सारे गवाही तैयार होता है, तो विरोध भी साथ में कुछ होगा। और फिर जब बहुत काम हो रहे हैं, कलीसिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर वहां पे जब सताव शुरू हो गया, फिर चेले ने, जो यीशु मसीह का चेले ने, दो दो करके इधर उधर अलग अलग दिशाओं में चले गया। और फिर वहां पे गवाही, जहां चले गया वहां गवाही बन के रहे। और फिर कुछ समय के बाद फिर वहां से दूसरा जगह, तीसरा जगह, ऐसे ऐसे करते 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 बहुत जो 12 चेले के द्वारा सुसमाचार पूरा दुनिया में फैल गया। हमारे देश में भी आपको, कुछ लोगों को पता होगा कि सेंट थॉमस थॉमा हमारे देश में भी आए थे और गवाही दिए थे, जिस वजह से आज इंडिया में भी बहुत, अभी कम लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है और उद्धार कैसे हमें मिल सकता है, ये बात को हम देखते हैं। प्रेरितों का 4:20 में चेले कह रहे हैं, क्योंकि ये तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। आप कहते हैं इस नाम से कुछ नहीं बोलो, ऐसे हम कर ही नहीं सकते, हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमने जो देखा है, जो अनुभव किया है, जो सुना है, वो तो हमको बताना ही होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है। जो मत्ती 28 में 18 से 20 तक अगर पढ़ेंगे तो देर इज ए ग्रेट कमीशन देयर। और वहां पे भी क्या यीशु मसीह ने कहा, जाके चेले बनाओ और मेरी गवाही, जो मैं मानव जाति के लिए, पापों के लिए, उनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, एक गवाही पूरा दुनिया में बता दो, एक ग्रेट कमीशन है। तो हम ये यीशु मसीह, एक तो दो तरह का गवाही, एक यीशु मसीह का गवाही जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज के हमारे लिए उद्धार का काम किया, यीशु मसीह का गवाही, और दूसरा गवाही ये है कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कैसे, हम परेशानी में थे और कैसे हमें छुटकारा दिया, वो एक गवाही तैयार करके हमेशा एक शॉर्ट टेस्टिमोनी हमारे दिल में रखना चाहिए, लिख के रखना चाहिए, कि जहां मौका मिले एक संक्षिप्त रूप में अपना गवाही बता सके। बहुत समय, बहुत कुछ बोल सकते हैं गवाही के बारे में, लेकिन बस लास्ट में ये बताना चाहती हूँ कि पौलुस किस तरह से यीशु मसीह का दर्शन दिया, किस तरह से यीशु मसीह का गवाह बन गया, और फिर कैसे नया नियम का 2/3 ऑफ द न्यू टेस्टमेंट, कैसे वो सॉल था, कैसे पॉल बन गया। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहती हूँ, एक्ट चैप्टर 26:16-18। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़े हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए दर्शन दिया, तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाही ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिसके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिसके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोग के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विरासत पाएं। हमारे लिए विरासत है, क्या विरासत है, कि हम
परमेश्वर का विरासत को पाना है तो हमारी आंखें खुलना चाहिए, आत्मा की आंखें खुलना चाहिए, ताकि अंधकार से हम ज्योति में आए और हमें पाप की क्षमा मिले और यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करे और उनकी गवाही बने। यही परमेश्वर यीशु मसीह जो है पौलुस को कह रहे हैं। और फिर उसके बाद अनायास करके वो एक व्यक्ति को भी यीशु मसीह ने बोला कि उनका आंख जब बंद हो गया, 3 दिन उनका आंख दिख नहीं रहते, तब अनानियास को भेजा। और फिर हम पढ़ते हैं प्रेरितों का 22:14-15, अनानियास करके एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है जो व्यवस्था पढ़ने में बहुत प्रमुख व्यक्ति है, उसे ये कहा कि हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए डरा कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने। अच्छा, अनन्यास ये पौलुस को कह रहे, क्या कह रहे, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहरा कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। तो अनन्यास भी ये गवाही दे रहे कि पौलुस को तुम्हारे एक काम सौंपा गया, और क्या काम सौंपा गया, कि यीशु मसीह का जो दर्शन तुमने देखा है वो तुम उसकी गवाही बनना है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सब जो देखा है, सुना है, अनुभव किया है, वो सब हम अपने आप के अंदर ना रखें, जहां मौका मिले हम यीशु मसीह का भी गवाही देना है, अपने जीवन में जो परमेश्वर ने चमत्कार किया है वो गवाही कभी भूलना नहीं है और याद करते रहना है और गवाही देते रहना है। ये हमारे कर्तव्य है, ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक आज्ञा भी है, आदेश भी है। इसलिए हम जितना ये गवाही बनेंगे, जहां अपने लाइफ के द्वारा बनेंगे, अपने मुंह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने हमें अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, वैसे वैसे परमेश्वर के लिए हम गवाही बन के रहें, दुनिया की छोर तक हम गवाही बन के रहें। जैसे बाइबल में बहुत सारे गवाहियां हैं, ऐसे ही हम भी परमेश्वर के लिए एक अद्भुत और सामर्थी गवाह बने। चलिए प्रार्थना के साथ, धन्यवाद प्रभु यीशु, हम प्रभु आपने हमने देखा है जो पिता करते थे वैसे ही पुत्र ने किया है, यीशु मसीह ने किया, जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे उनके चेलों ने किया, और यीशु मसीह स्वर्गारोहण के बाद उनका पवित्र आत्मा ने चेलों को अगुवाई किया। हम भी यीशु मसीह के चेले हैं प्रभु, इसके अलावा फरिश्ते ने भी गवाही दिया है कलीसियाओं को प्रभु, और हम भी परमेश्वर देखा है बाइबल में बहुत सारे गवाही लोग परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है और बहुत अद्भुत अद्भुत गवाही बन चुके हैं प्रभु। आप चाहते हैं हमारे जीवन में भी जो अनुभव हमने किया, जो देखा है, सुना है, वो हम दूसरों को भी बताएं प्रभु, यीशु मसीह का भी गवाही बताएं, अपना जीवन में जो चमत्कार हुआ है वो भी हम गवाही बताएं, और परमेश्वर के नाम को हमेशा ऊंचा करते रहें। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। Thank you.